डेयर स्टूडेंट, आज हम मेटल्स के हवाले से पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, मेटल्स की तारीफ करें, नीज रिएक्टिविटी की बुनियाद पर उनकी दर्जा बंदी करें। तो आज हमने एक तो मेटल की तारीफ करनी है कि मेटल किस तरह के, किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, या मेटल्स की तारीफ हम कैसे करेंगे, मेटल्स क्या होते हैं। दूसरा, रिएक्टिविटी की बुनियाद पर, रिएक्टिविटी की बुनियाद पर उनकी दर्जा बंदी, क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस बनाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन बनाते हैं, उन्हें मेटल्स कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये मेटल्स हैं। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी की बुनियाद पर, इनकी दर्जा बंदी जो है रिएक्टिविटी की बुनियाद पर। मेटल्स तीन तरह की हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोतदिल तौर पर रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव या फिर नोबल मेटल्स। सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो कौन कौन सी हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इसी तरह मोतदिल तौर पर जो रिएक्टिव मेटल हैं, दरमियाने, ना ज़्यादा ना कम, दरमियाने तौर पर जो हैं यानी मोतदिल तौर पर जो रिएक्टिव हैं, जिंक है, आयरन, टिन, लेड। और सबसे जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, वो कौन सी हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव या नोबल मेटल्स हैं। तो ये कैसे लिखेंगे इसको दर्जा बंदी के लिहाज से, मेटल्स दर्जा बंदी के लिहाज से रिएक्टिविटी के बुनियाद पर मेटल्स तीन तरह की हैं, और वो तीन तरह की कौन सी हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैटर। दूसरा है मोतदिल तौर पर रिएक्टिव, तीसरा है सबसे कम रिएक्टिव, अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हैं, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। और मुअत्तल तौर पर जो रिएक्टिव मेटल हैं, जिंक, आयरन, टिन और लेड वगैरह। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल या नोबल मेटल्स, या नोबल मेटल्स ये कौन सी हैं? कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह। प्लैटिनम, तो ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं।